प्रयागराज के तेज बहादुर सपरू अस्पताल के कुष्ठ रोग विभाग में कार्यरत करोड़पति स्वीपर धीरज की देर रात मौत हो गई। अपनी मौत के बाद धीरज लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। धीरज की मौत ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी के चलते हुई, लेकिन उसकी चर्चा उसके करोड़पति होने को लेकर हो रही है। उसके बैंक खाते में करोड़ों रुपए होने के बाद भी सही इलाज न कराने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। करोड़पति स्वीपर धीरज की मौत के बाद अब घर में 80 साल की माँ और एक अविवाहित बहन ही बची है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल धीरज की पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित कोटे में उसे स्वीपर कम चौकीदार के पद पर 2012 में नियुक्ति मिली थी, लेकिन धीरज कभी अपनी सैलरी को हाथ नहीं लगाता था। उसके घर का खर्च माँ की पेंशन से चलता था, तो वही वो अपने निजी खर्च के लिए लोगों से पैसे मांग लेता था। पैसे के बारे में, उनकी माँ को पेंशन मिलती थी इसलिए वो अपनी सैलरी को थोड़ा, उनको ज़रूरत शायद नहीं पड़ती थी, तो पैसे ज़रूर उनके खाते में कुछ हैं, लेकिन अब कितने हैं एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। 12 साल के करीब उनकी 10 साल की सर्विस हो गई है और उनकी माँ को पेंशन मिलती थी। उनके पिताजी के भी जो रिटायर डेथ के बाद जो पैसे मिले थे वो भी उनके पास थे, तो कुल मिला के वो थोड़ा उनके पास बचत सेविंग है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। इस बात का खुलासा इसी साल मई महीने में तब हुआ था जब बैंक वाले धीरज को खोजते हुए कुष्ठ रोग विभाग पहुंचे थे। इसके बाद अस्पताल और विभागीय लोग उसे करोड़पति स्वीपर कहकर बुलाने लगे थे। धीरज ने यह संपत्ति अपने पिता और खुद की मेहनत से कमाई थी। धीरज कुमार नाम था उसका, और वो पिछले 8 सालों से नौकरी कर रहा था अपने मृतक आश्रित कोटे से। उसके फादर भी DLO ऑफिस में, हमारे प्रयागराज CMO साहब के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर मैं हूँ, तो उनके अंतर्गत वो स्वीपर कम चौकीदार के रूप में अपने पिताजी के मौत के उपरांत उसको जगह मिली थी। और बहुत अच्छा लड़का था और मेहनती था और काम करता था। कुछ दिनों से वो ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा था, उसको टीबी की बीमारी थी। उसको थोड़ा सा वो माइजर टाइप का था, तो पैसा वैसा नहीं खर्च करता था। उसको ट्यूबरक्लोसिस की दवा भी, नॉमिनेशन भी कराया गया, दवा भी दिलाई जाती थी, लेकिन वो लापरवाही करता था। लेकिन वो अपना दैनिक जीवन का काम बाकायदे सब बढ़िया करता था, साफ़ सफाई करता था, हॉस्पिटल में जहाँ भी ऑफिस में आता था पूरे काम करता था, और कार्य के प्रति बहुत निष्ठावान व्यक्ति था। उसकी उम्र भी बताती है कि पैसे काफ़ी थे। हाँ, पैसे के बारे में तो मैं अभी 5 दिन पहले जो है DLO का कार्यभार संभाला हूँ। लोग जैसे मैंने भी सुना कर्मचारियों के मुँह से कि हाँ पैसा नहीं यूज करता था, अकाउंट से नहीं निकालता था, तो जाहिर सी बात है उसके अकाउंट में रहे होंगे जो भी पैसे। अब वो तो वहाँ उसके अकाउंट में वहाँ बैंक मैनेजर साहब बताएंगे कि कितना पैसा उसने जमा कर रखा है। हाँ, माइजर था, कुछ कंजूस था, लेकिन अब भाई उसका पर्सनल मामला था तो इसलिए हम लोग हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत बढ़िया था, वर्कर बढ़िया था, बस वो था अपने शरीर में नहीं खाता पीता था। आप चले जाएं आपके पैर छू करके मांग लेगा, भैया 10 रुपये दे दीजिए, 20 रुपये दे दीजिए। उसकी मदर जो है मृतक, ताकि फादर मौत हो गई थी तो माँ को पेंशन भी मिल रही थी, परमानेंट वर्कर थे उसके पिताजी, और यही ऑफिस में काम करते करते वो भी ख़त्म हुए थे। तो अब क्या कहा जाए, उसको भर्ती भी कराया गया, हम लोग बेली में भर्ती भी कराए थे जब वो बीमार पड़ा था, लेकिन उसकी माँ उसको बार बार निकाल करके ले जाती थी, डॉक्टरों से भी प्रतिशोध करना पड़ा।